हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूँ संगीता यादव, और कैसे हैं आप सब? ठीक ही होंगे। तो आज मेरा रिएक्शन है उल्लू वेब सीरीज की वीडियो पर। इस वीडियो का टाइटल है कब्रिस्तान गेम ऑफ कर्मा। तो गाइस, एंड तक जरूर देखना, पसंद आ जाए तो लाइक जरूर कर देना। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। संगीता यादव के नाम से मेरे इंस्टाग्राम है, तो चाहिए फटाफट फॉलो कीजिए यार। फॉलो कर लो यार, क्या पता कब डिलीट हो जाए, कम से कम दिल को सुकून तो मिलेगा। और गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्रोध से बुद्धि व्याघ्र होती है, और जब बुद्धि व्याघ्र होती है तो भ्रम पैदा होता है, और जब भ्रम पैदा होता है तो तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। गेम्स ऑफ कर्मा की पहली कहानी का शीर्षक है कब्रिस्तान। कब्रिस्तान फारूक के लिए कब्रिस्तान सब कुछ था। कब्रिस्तान उसका घर था, उसका संसार था, और कब्र में दफन लाशें उसकी महबूबा थी। फारूक का रोम रोम खिल उठता था जैसे ही उसके कानों को आहट सुनाई देती। चाचा चाचा चाचा, रहीम की बेटी का इंतकाल हो गया है, कब्र खोदो जाके। वो खुशी से नाचने लगता, झूमने लगता कि उसकी महबूबा आई है। आज रात उसकी मुलाकात अपनी महबूबा से। कैसे यार, पता नहीं अल्लाह मियां ने तेरे साथ ऐसा क्यों किया, सब कुछ बिखर गया। कहते हैं मोहब्बत जितनी सच्ची होती है दर्द उतना ही गहरा होता है। कौन जाने पाप क्या है और पुण्य क्या है। स्वर्ग का मोह छोड़ दो और नरक से डरना छोड़ दो, बाकी सब कुदरत पे छोड़ दो। गेम ऑफ कर्मा रिलीज होना 14 सितंबर। हे भगवान, डाउनलोड द उल्लू ऐप, सब्सक्राइब नाउ। थैंक यू सो मच। वीडियो के अंत तक जो देखने, वो भी मेरे साथ रिएक्शन के साथ देखा आपने। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को, मतलब वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और गाइस, मतलब ये कौन सा नाता रिश्ता हुआ कि मतलब कब्र के साथ, मतलब लाश के साथ उल्टी सीधी हरकतें। समझ रहे हैं आप, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि क्या उसने किया, वो भी बुड्ढे ने। मतलब किसी भी लड़की या किसी भी लेडीज की, मतलब ये सुनता था कि लाश आ गई है तो सुनते ही झूम उठता था, नाच उठता था, और उसे एक अलग ही टाइप में उसके एहसास होता था कि यार मुझे, मेरे एक महबूबा आई है। कैसे उसे डर नहीं लगता था, कब्र में जाता था, ये सब करता था, उसे जेल लगता था कि कम से कम वो भूत है, मतलब उसकी लाश है। उसके अंदर एक डर नाम की चीज कोई थी नहीं। ऐसे ऐसे लोग कहाँ होते हैं गाइस, अभी भी ऐसे अपनी दुनिया में हैं कि नहीं पता नहीं, हो भी सकते हैं, क्योंकि जो रेप कर सकते तो वो ये भी कर सकते हैं। तो गाइस, कैसी लगी आप लोगों को वीडियो? आई होप की वीडियो पसंद आई होगी। इसका पूरा एपिसोड देखने के लिए आप, मतलब 14 सितंबर को ये रिलीज हो चुकी है, बट उल्लू ऐप पर आपको डाउनलोड करना है, और वहाँ थोड़े से पैसे खर्चा करने, मतलब करोगे तो इसका पूरा एपिसोड देख सकते हैं। आई होप को आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेल आइकन के साथ, ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूँ, वेब सीरीज, फनी वीडियो या मैम्स कुछ भी, तो आप लोगों को मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलती हूँ, वीडियो को ये ख़त्म करती हूँ। जल्दी मिलूंगी आपको नेक्स्ट, मतलब फनी वीडियो या उल्लू वेब सीरीज के साथ। बाय बाय।